हेलो गाइस, व्हाट्स अप। बस बस बस, लास्ट वीडियो महिंद्रा में, इसके बाद कोई नहीं आने वाली। अब क्या करूं, पिछले दो तीन हफ्ते से महिंद्रा इतने ज्यादा न्यूज में थे तो इसलिए वीडियोस बनाना काफी मैंडेटरी था। तो जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसका प्राइस महिंद्रा ने अनवील कर दिया है। और क्या प्राइस अनवील कर रहा है, कुछ ज्यादा ही महिंद्रा ने इसमें भी डिस्काउंट दे दिया आपको पहले से। और इस वाली गाड़ी की भी सेल बढ़िया होने वाली है और इस पे भी पहले से बहुत ही लंबी वेटिंग आने वाली है, जो कि आपको एक्सप्लेन करता हूं। और मैंने आपको तीन चार हफ्ते पहले की एक वीडियो में कहा था, जब इसके टीजर वगैरह आ रहे थे, कि इस गाड़ी का प्राइस पहले से रिड्यूस होगा 2-3 लाख रुपए और तभी इस गाड़ी की सेल्स होने वाली है या फिर इसकी सेल्स बनेगी इंडियन मार्केट में। वीडियो जाके देखो। मेरे ख्याल से जो महिंद्रा है, इस गाड़ी का प्राइस 2-3 लाख रुपए रिड्यूस करने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बिग ब्रेन हूँ और आप सभी बन सकते हो बिग ब्रेन। और इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो, हमारे 6,51,000 सब्सक्राइबर हो गए, 49,000 रहते हैं 6,90,000 में, और वो जो होली 69 है वो आ जाएगा। तो इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार्वर्सल प्रो बन जाओ। और जो रिस्टो कार है कितने भाई, 1,16,000 रुपए, बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। तो भाई देख लो, वो आगे चला जाएगा, फिर क्या क्या मुंह दिखाएंगे हम सबको। तो दोस्तों, मैं आपको स्कॉर्पियो क्लासिक का प्राइस बताता हूँ अभी, पर उससे पहले मेरी 2-3 टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें पहली मेरी टर्म है कि आपको अपनी स्कॉर्पियो एन की बुकिंग कैंसिल नहीं करानी। सेकंड टर्म ये है कि आपको कमेंट में लिखना है कि क्या आपको स्कॉर्पियो क्लासिक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है या फिर आपको स्कॉर्पियो एन के लिए वेट करना, शादी में उसका इतना बड़ा प्राइस देना, वो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। तो दोस्तों, जो स्कॉर्पियो क्लासिक है आपको पता ही है, दो डिफरेंट वेरिएंट्स में आती है, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक एस है और स्कॉर्पियो क्लासिक S11 है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। आप सबने वीडियो देखी होगी, आप सब कार वर्सल प्रोज हो। तो जो क्लासिक एस है, आप कह सकते हैं कि स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल है, जिसमें आपको काले बंपर मिलते हैं, आपको कुछ भी फीचर नहीं मिलते, बस आपको गाड़ी मिलती है। जिसमें दोस्तों अगर आप देखें तो जो स्कॉर्पियो क्लासिक एस वाला वेरिएंट है, एक्जैक्टली सेम है पहले वाली स्कॉर्पियो के S3 प्लस वाले वेरिएंट से, जिसमें आपको सारे सेम फीचर मिलते हैं, बस आपको लुक्स में, आपको लोगो में और आपको नाम में डिफरेंस मिलता है। तो जो पहले वाली स्कॉर्पियो का S3 प्लस वाला वेरिएंट था, जो कि अभी तक आ रहा था, उसका प्राइस था 13.54 लाख रुपीज एक्सरूम इंडिया, जो कि लोग दे रहे थे और बहुत ही बढ़िया इस गाड़ी की सेल जा रही थी। लेकिन दोस्तों, जो अब हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक एस है, उसका प्राइस है 11.99 लाख रुपीज एक्सरूम इंडिया, जो कि अगर आप देखें तो डायरेक्टली 1.55 लाख रुपीज कम है एज कम्पेयर टू पहले वाली स्कॉर्पियो। लेकिन अब इस गाड़ी में आपको नई ग्रिल मिलती है, आपको नया लोगो मिलता है, आपको नया इंजन मिलता है, आपको बड़ी एफिशिएंसी मिलती है। तो इसकी सेंस कैसे बनती है? और वही अगर आप देखें, जो स्कॉर्पियो एन है उसका बेस मॉडल या फिर उसका S2 वाला वेरिएंट, उसका प्राइस स्टार्ट होता है 11.99 लाख रुपीज से, लेकिन उसमें आपको पेट्रोल ऑप्शन मिलता है। और वही अगर आप उसमें डीजल लेंगे तो उसमें आपको प्राइस देना पड़ेगा 12.49 लाख रुपीज। तो ये गाड़ी उससे भी 50,000 रुपए सस्ती है। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अराउंड 2 महीने के अंतर में या फिर कुछ दिनों के अंतर में जो स्कॉर्पियो पहले वाली है उसका प्राइस 1.5 लाख रुपए डिक्रीज हो गया है उसके छोटे वाले वेरिएंट में, 1.5 लाख रुपए। और ऑन रोड अगर आप लेके चले सारे टैक्सेस वगैरह मिला के तो अराउंड 1,80,000 रुपए बनता है। तो आपको डायरेक्टली 1,80,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इससे आके बढ़िया अपनी गाड़ी में एक्सेसरी डलवा लेना और बढ़िया मजे लेना अपनी स्कॉर्पियो के और वही जो एस्टोनिशिंग लुक्स है उसके। पर दोस्तों, जो रियल मजे है और जो आपको रियल डिस्काउंट मिलता है स्कॉर्पियो का, जो एकदम टॉप एंड वेरिएंट है या फिर जो उसका S11 वाला वर्जन है, उसमें आपको मिलता है, जिसमें जो पहले वाली स्कॉर्पियो S11 थी, उसका प्राइस था 18.62 लाख रुपीज एक्सरूम इंडिया, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस थी, क्योंकि आपको 22 लाख का इसका टॉप मॉडल पड़ता था ऑन रोड, जिसमें आपको ना तो कुछ फीचर मिलते थे, आपको बेकार राइड क्वालिटी मिलती थी और आपको इतनी पुरानी गाड़ी मिलती थी। लेकिन दोस्तों, फिर महिंद्रा का थोड़ा दिमाग चला और अब जो स्कॉर्पियो क्लासिक S11 है उसका जो प्राइस है वो है 15.49 लाख रुपीज एक्सरूम इंडिया। तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो महिंद्रा ने इस गाड़ी का टॉप एंड स्पेक में जो प्राइस है 3,13,000 रुपए से रिड्यूस कर दिया है। और अगर आप ऑन रोड में देखें तो अराउंड 3,70,000 रुपए प्राइस रिड्यूस हो गया अगर आप पहले से कंपेयर करें, जिसमें गाड़ी में आपको नई लुक्स मिलती है, आपको नए अलॉयस मिलते हैं, आपको नई ग्रिल मिलती है, इंटीरियर में आपको नई फिनिश मिलती है, आपको बढ़िया टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, आपको बढ़िया इंजन मिलता है जिसमें आपको बढ़िया एफिशिएंसी मिलती है। तो दोस्तों, ये तो डील ऑफ द सेंचुरी हो गई, जिसमें गाड़ी बढ़िया हो गई है लेकिन जो गाड़ी का प्राइस है वो रिड्यूस हो गया है। How does that even make any sense? तो दोस्तों, ये कुछ प्राइस रिड्यूस हो गया है। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मान लो मेरा 18 लाख का बजट है तो जो स्कॉर्पियो एन है वो तो मिलने नहीं वाली, काफी महीने बाद मिलने वाली है। तो काफी ज्यादा चांस है कि अगर कोई एवरेज कंज्यूमर होगा तो वो ये वाली स्कॉर्पियो क्लासिक ले लेगा, क्योंकि आपको सारे फीचर मिल रहे हैं, आपको जो स्कॉर्पियो का बढ़िया वाला टॉर है वो आपको मिल रहा है। तो क्यों भाई 8-10 महीने वेट करना, डायरेक्टली जाके ये वाली गाड़ी ले लो और बढ़िया इसमें अपने मजे लो। और आपको 3 लाख का डायरेक्टली डिस्काउंट मिल रहा है, उससे जाके 22 इंच के अलॉय जलवा लेना और बढ़िया मजे कर लेना अपनी गाड़ी में। और दोस्तों, मैंने आप सब कार वर्सल प्रोस के लिए एक बढ़िया डील निकाली है स्कॉर्पियो से रिलेटेड, जिसका नाम है स्कॉर्पियो 69, जिसमें दोस्तों अगर आप मुझे 36 लाख देंगे तो मैं आपको स्कॉर्पियो क्लासिक का टॉप मॉडल दूंगा, आपको स्कॉर्पियो एन का टॉप मॉडल दे दूंगा ZZ वाला डीजल में, और आपके बढ़िया मजे करा दूंगा। और अब आप सोचोगे मैंने इस डील का नाम स्कॉर्पियो 69 क्यों रखा है, जबकि जो मैं आपसे पैसे ले रहा हूं 36 लाख ले रहा हूं। तो ये नाम इसलिए है क्योंकि पहले की सिर्फ 69 कस्टमर्स को ये डील मिलने वाली है। तो इसलिए जाके जल्दी आपको एनरोल करना पड़ेगा अगर आपको डील
लेनी है। तो एक फॉर्च्यूनर के प्राइस में आपको दो स्कॉर्पियो दे रहा हूँ एकदम टॉप एंड स्पेक। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बाकी अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको एकदम डिटेल में पता चलने वाला है कि कैसे महिंद्रा अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करे इतनी सारी गाड़ियों को बनाने के लिए और कस्टमर्स को डिलीवर करने के लिए।